हाई एवरीवं सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बिग डेटा के अंदर एच बेस के बारे में ठीक है सो एच बेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आज इस वीडियो के अंदर हम एच बेस के बारे में कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं अगर आपको एच बेस अलग से लिखने को आता है सो so आप डेफिनेटली जो जो हम टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो सब चीज़ लिखोगे एंड साथ में हम एक और स्पेशल चीज़ देखने वाले हैं विच इज़ एच बेस का आर डी बी एम एस के साथ डिफरेंस ठीक है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिफरेंस भी दिखेंगे ओके सो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बिग डेटा की ट्रू इंजीनियर की सारी वीडियोज़ देख ली हैं तभी आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हो अगर आप डायरेक्टली एच बी देख रहे हो सो मैं आपको हाईली यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हडूब वगैरह पढ़ लो ठीक है देन हडूब की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब एच डी एफ एस वगैरह मैप रिड्यूस वगैरह देन यान वगैरह पढ़ लेना पिग एंड हाइफ पढ़ लेना ठीक है हाइफ में मैंने मैक्सिमम हाइफ हाइफ पढ़ाई है एंड हाइफ के आर्किटेक्चर पढ़ाए सो अब बात करते हैं विच इज़ एच बेस की ठीक है एंड थोड़ा बहुत अपन पिग हाइव और एच बेस क्या है इसके बारे में भी अलग से बात कर लेंगे इसी वीडियो के एंड एंड होते होते है। ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं एच बेस में क्या चीज़ें हैं सो so, एच बेस पहले है क्या चीज़ सो एच बेस कह लो या पाचे एच बेस कह लो ये ओपन सोर्स नो एस क्यूएल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस है नो एस क्यूएल मतलब नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ठीक है नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्योरी लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस है जैसे मोंगो डी भी आप लोगों ने सुना होगा वो भी एक नो एसक्यूअल डेटा बेस है वैसे एच बेस भी क्या है एक नो एसक्यूअल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस है ठीक है इट इनेबल रैंडम स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंट रियल टाइम एक्सेस टू पैटाबाइट ऑफ डेटाज मतलब पैटाबाइट मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है ना आप लोगों ने डेटा को एम बी के बी टी बी जी बी इस फॉर्म में देखा होगा तो पी बी के फॉर्म में मतलब पैटाबाइट ऑफ डेटाज है ठीक है सो एच बेस का काम क्या है जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा या फिर बहुत ज़्यादा डेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको भाई उसके अंदर वो सब चीज़ें कर सकता है ठीक है समझ रहे हो ना सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एच बेस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर हैंडलिंग लार्ज स्पार्स डेटा सेट्स मतलब ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा या फिर ईजीली हैंडल कर सकता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स को ठीक है तो ये भैया एच बेस हो गई उसकी कुछ चीज़ें हो गई सो एच बेस मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया एक नॉन रिलेशनल And non distributed database है ना नॉन ऑरिशनल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस है ओके ये बात समझ में आ गई है अब आगे बढ़ते हैं एच बेस इंटीग्रेट सीमलेसली विद अपाचे हडूप तो ये समझ में आ रहा है कि ये इंटीग्रेट ईजी हो सकता है अपाचे हडूप के साथ एंड द हडूप इको सिस्टम ठीक है एक आपसे अलग सा क्वेश्चन बन के आ सकता है इको सिस्टम ऑफ हडूप तो उसके अंदर आप पिक को समझाएंगे हाइव एच बेस ये सब चीज़ें समझा सकते हो उसके अंदर ठीक है एंड रन ऑन द टॉप ऑफ द हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज वेज इंटीग्रेट सीमलेसली विद अपाचे अडूब एंड द हडूप इको सिस्टम एंड रन ऑफ द टॉप ऑफ एच डी एफ एस तो एच डी एफ एस के टॉप में रन करता है और अमेजोन एस थ्री यूजिंग एमेज़ोन इलास्टिक मैप रिड्यूस जिसको ई एम आर के नाम से जाना जाता है और ई एम आर एफ एस नाम से जाना जाता है एच बेस सर्वर एज अ डायरेक्ट इनपुट एंड द आउटपुट टू द अपाचे मैप रोड्यूसर वर्क फॉर द हडूप एंड वर्क विद द अपाचे फिनिक्स टू नेबल एस क्यूअल लाइक क्वेरीज ओवर एच बेस टेबल्स समझ में आ रही बात बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिंपल चीज़ें हैं कि एच बेस जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता है हडूब के साथ और हडूबी को के साथ और ये मतलब रन होता है एच डी एफ एस के टॉप ठीक है ऊपर रन होता है उससे बात समझ में आ रही है और कुछ नहीं बाकी आप लोग मन से लिख सकते हो उसके अलावा एक और लाइन लिखी कि अपाचे फिनिक्स टू नेबल एसक्ल क्वेरीज ओवर एच बेस टेबल तो एच बेस टेबल की मतलब आप क्वेरीज़ भी लिख सकते हो एच की तरह ठीक है अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि एच का यूज़ हो रही थी एच का यूज़ होगी अभी अपन और एच और रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में वीडियो को एंड होने से पहले ये डिफरेंस क्लियर करेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कि एच वर्क कैसे करती है हाउ डज़ एच वर्क एच इज़ अ कॉलम ओरिएंटेड ध्यान से देखना ये लाइन ही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है अगर आप डिफरेंस देखोगे रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट में तो वो रो ओरिएंटेड है बट एच क्या है कॉलम ओरिएटेड है और ये कौन सा है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मतलब को रिलेशन नहीं इसके अंदर टेबल वाला फॉर्म नहीं है दिस मीन्स दैट द डेटा इज स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कॉलम्स एंड इंडेक्सड बाय अ यूनिक रो की दिस आर्किटेक्चर अलाउ फॉर रैपिड रिट्रीवल ऑफ इंडिविजुअल रोज एंड द कॉलम्स एंड एफिशियंट स्कैन ओवर इंडिविजुअल कॉलम विद इन अ टेबल वो डेटा एंड रिक्वेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द सर्वर इन एच बेस क्लस्टर्स सो नॉर्मली जो क्लस्टर्स होते हैं पता होगा बता रखा है मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ के अंदर तो बात वही है बहुत सिंपल सिंपल से टर्म्स है जस्ट आप रीड करोगे दो एक बार वीडियो देखोगे ढूंढने की तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जस्ट रिविजन आपका हो जाएगा ठीक है एच बेस क्लस्टर अलॉन्ग यू टू द क्वेरी रिजल्ट ऑन अ बेटा बैट ऑफ डेटा विद इन अ मिली सेकंड फास्ट है भाई ठीक है सारा डेटा विद इन अ मिली सेकंड करवाए एच बेस इज़ मोर एफिशियट यूज टू स्टोर नॉन रिलेशनल डेटा बेस नॉन रिलेशनल डेटा बेस यूज़ करने के लिए आ, बहुत ज़्यादा एफिशियट है एक्सेस एच बेस ए पी आई हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके थ्रू हो रहा है एच बी एस ए पी आई इसके थ्रू ठीक है अपाचे फिनिक्स इज कॉमनली यूज एज अ एसक्यूएल ऑन द टॉप ऑफ एच बी एस अ लॉइंग यूट्यूब यूज़ द फैमिलियर ऑफ एसक्यूल्स सिंटेक्स टू इंसर्ट डिलीट एंड क्वेरी डेटा स्टोर्ड इन अ एच बी एस तो जैसे कि आपको पता है ना क्रड ऑपरेशन क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट सो सारे ऑपरेशन परफॉर्म अपन ईजिली कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज तो सेम एच बी एच बी एस के अंदर भी कर सकते हैं ठीक है थीके? तो बात समझ में आ रही है एच बी एस क्या सीन है किस तरीके से वर्क करता है कॉलम ओरिएंटेड है नॉन एसक्यूएल नॉन रिलेशन, रिलेशनल डेटा बेस है ठीक है इसका मतलब ये सब चीज़ आपके सामने दिख रही है ओके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एच जो है वो इफेक्टिव है नॉन रिलेशनल डेटा के लिए और एक्सेस किस हेल्प से होता है एच बी एस ए की हेल्प से आप इसको ईजीली एक्सेस कर सकते हो है ना सो ये पॉइंट अपन ने अच्छी तरीके से समझ लिया है एच क्या है इस वीडियो के अंदर इससे पहले अपन ने पिक समझ लिया था एंड हाइफ समझ लिया था ठीक है हाइफ का आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ पिग बेस क्या है पिग क्या है पिग जो है वो एक प्लेटफॉर्म है एच टी एफ एस का ठीक है ठीक है और मोस्टली जो है एक हाई लेवल है लैंग्वेज जिसके अल्प पिग लैटिन एक आपने सुना होगा हाई लेवल लैंग्वेज है ठीक है, है जो कि बाकी काम परफॉर्म कर सकते हैं पिक के अंदर ये सारा खेल है पिक का हाइफ का खेल क्या खेल है मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयर हाउस कह सकते हो आप हाइफ को ठीक है हाइफ को क्या कहोगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयर हाउस बाकी एच बेस क्या है एक नॉन रिलेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है ठीक है समझ में आ गया एच के बारे में तो ये तीनों मैंने एक एक लाइन के अंतर बता दिए कि पिग को अगर आपको बताना है पिग क्या है भैया एक एच बी एच डी एफ एस का प्लेटफॉर्म है ठीक है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज पिग लेटिन को यूज़ करता है उसके अलावा हाइफ के बारे में बता दिया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयर हाउस है हाइफ और जो एच बेस है एच बेस आपको दिख रहा है एक नॉन रिलेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस है एच बेस ठीक है और एक कॉलम ओरिएंटेड है ठीक समझ में आ गई वो बात अब तीनों में एक एक पॉइंट का अंतर समझ में आ गया ठीक है बाकी आप डिटेलिंग में देख रहे हो तो ट्रू इंजीनियर की वीडियोज़ आपको मिल ही रही हैं जाके पढ़ लो उन सब वीडियोज़ के अंदर मैंने सब चीज़ पिक बता दी हाइप बता दिया और एच बेस इस वीडियो के अंदर करिए अब आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स के है एच बेस के सबसे पहले स्केलेबल है देन फास्ट है एंड फॉल्ट टॉलरेंट है इसके बारे में आप अपने मन से भी लिख सकते हो एक बार रीड करेंगे तीनों चीज़ें हमें क्या क्या लिखा गया है एच वे एस इज डिज़ाइन टू हैंडल स्केलिंग अक्रॉस थाउजेंड ऑफ सर्वर्स एंड मैनेज मैनेजिंग एक्सेज ऑफ बैटा बैट ऑफ डेटा सो ईजिली ये स्केलेबल है सामने से दिख रहा है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आराम से हैंडल कर सके थाउजेंड ऑफ सर्वर्स को या मोर देन थाउजेंड ऑफ सर्वर्स को और इतने सारे डेटा अमाउंट्स को ईजिली हैंडल कर सके ठीक है तो स्केलेबल हो गया विद द इलास्टिसिटी ऑफ अमेजोन ई सी टू तो ये अमेजोन वाला उसका एग्जाम्पल देगा और कुछ नहीं है आप इतना भी लिख दोगे ना कि एच का जो मेज मेजर डिजाइनिंग प्रिंसिपल यही है कि वो थाउजेंड ऑफ सर्वर्स को ईजिली मैनेज कर सकता है और पैटाबाइट्स ऑफ डेटा उसको ईजीली मैनेज कर सकता है ठीक है अगर आप इतना लिख दोगे तो ये इसके लेवल के अंदर सफिशेंट रहेगा फास्ट आपको पता ही है कि भाई एच बी एस बहुत ज़्यादा फास्ट है इतना सारा डेटा के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है तो फास्ट ही हो गया तब भी देख लेते हैं एच प्रोवाइड्स लो लेटेंसी रैंडम रीड एंड राइट एक्सेस टू पैटाबाइट्स ऑफ डेटा बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम applications across a cluster of hosts. Each host as has access to data in HDFS and S3 and server read and write request in the milliseconds. So, रिक्वेस्ट इन operations within a तो सारे ऑपरेशन विद इन हो जाते हैं एंड इतने सारे डेटा के अंदर पैटावाइट्स ऑफ डेटा के अंदर अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो दैट्स एच बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हो गया फॉल्ट ऑलमेंट एच बेस स्प्लिट्स डेटा स्टोर्ड इन टेबल एक्रॉस मल्टीपल होस्ट इन द क्लस्टर एंड इज़ बिल्ड टू विद इन विद स्टैंड इंडिविजुअल फॉर होस्ट फेलियर्स तो अगर एक आध होस्ट मतलब एक आध कुछ फेलियर हो जाए सिस्टम का तो मल्टीपल क्लस्टर्स में क्या हो रखा है ब्लैक हो रखा है तो ईजिली वो चेंज मतलब डेटा स्टोर है तो उसकी रिकवरी भी करी सकती है तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो उसके अंदर ठीक है बाकी आप बढ़िया पढ़ सकते हो स्क्रीन शॉट वगैरह लेके तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि बेनीफि क्या है स्केलेबल है फास्ट एंड फॉल्ट ऑनरेंट है अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है विच इज़ एच बी और आर डी बी एम एस में अंतर क्या है ठीक है सो ओपन सोर्स है कॉलम ओरिएंटेड है अपन ने अभी देखा कॉलम ओरिएंटेड है ये है ना और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस स्टोरेज सिस्टम है है ना एच बेस एक नॉन रिलेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस है ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट लाइन यही है उसके बाद आर डी बी एम एस की बात करें तो रो ओरिएंटेड है टेबुलर स्ट्रक्चर्ड है, है डेटा ओनली है ठीक है मतलब टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है अपने डी बी एम एस के अंदर आर डी बी एम एस पढ़ रखा है एच बेस हैंडल स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ये टाइप्स ऑफ डेटाज आप लोगों ने सुना होंगे स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर तो उसको यहाँ पे एच बी मैनेज कर लेता है बट आर डी बी एम एस ओनली मैनेजेस या हैंडल्स स्ट्रक्चर डेटा कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो डी बी एम एस में ट्रांजेक्शन होते हैं ना है ना जैसे बैंक वगैरह की जो अपन ने डी बी एस में यूनिट नंबर फोर ट्रांजेक्शन वाली पड़ी थी तो एच बी एस में वो ट्रांजेक्शन पौस, प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है बट आर डी बी एम एस के अंदर पॉसिबल है तो कैन बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ठीक है तो ट्रांजेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है देर एच बेस की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल रिलेटेड बेस है आर डी बी एस टू डायमेंशनल है एच बेस फ्लैक्सीबल स्कीमा फॉलो करता है मतलब कि स्कीमा आप ईजिली एड कर सकते हो उसमें कुछ भी एज कॉलम कैन बी ईजिली एडेड फॉर अ स्पेसिफ़िक कॉलम ठीक है जबकि आर डी बीमेस जो है फ़िक्सड स्कीमा पर वर्क करता है सो so, मैं ओप कर रहा हूँ कि आप लोग को एच बेस के बारे में कम्प्लीट आइडिया हो गया होगा हो इस वीडियो से एंड बाकी मैंने आपको कम्प्लीट अच्छे से एच बेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे दी है बाकी आप लोगों को कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन ओपन है एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार ट्रू के अंदर बिग डेटा का पूरा प्ले है तरीके से फॉलो करो काम आपका आसान हो ही जाएगा सो so, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय